दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल ज्योतिष। तो आज के शो में हम कंपेयर करने वाले कुछ स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर, जैसे 460 वर्सेस 662 वर्सेस 665। तो दोस्तों आज इस वीडियो को लास्ट जरूर देखते रहे, अंत में बताऊंगा अगर आपके पास 15,000 के नीचे तक का बजट है तो आपको कौन सा प्रोसेसर वाला फ़ोन लेना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करें 460 प्रोसेसर की, तो 460 जो प्रोसेसर है वो लगभग नया ही प्रोसेसर है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है वो लगभग 10,000 के रेंज के फ़ोन के लिए बनाया गया था। लेकिन ये जो प्रोसेसर है वो लगभग 4 सीरीज का प्रोसेसर है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है वो लगभग ओप्पो जैसे कंपनियों ने इसे लगभग 13,000 के रेंज में डाल दिया है, क्योंकि ऑफलाइन सीरीज में लोग जो है वो प्रोसेसर वगैरह इतना ज़्यादा नहीं देखते। इसी का ये कंपनियाँ फ़ायदा उठा के आपको कुछ भी कैसे भी प्रोसेसर आपको डाल के दे देती है। और साथ ही साथ आपको जो ओप्पो का जो A52 आपको देखने को मिल जाता था वो था 662 प्रोसेसर, और उसकी प्राइस लगभग 18,000 थी, वो भी आपको ऑफलाइन फ़ोन ही देखने को मिल जाता। लेकिन जो 665 जो प्रोसेसर है वो लगभग सेम ही प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता था Realme के 5i में, जो कि आपको लगभग 10,000-9,000 के रेंज में फ़ोन लॉन्च हुआ था आया था तब। अभी लगभग उसकी 11,000 कीमत हो चुकी है। लेकिन जो ये जो प्रोसेसर है ये लगभग ऑफलाइन सीरीज में ज़्यादा पैसे दे के भेजे जाते हैं। लेकिन अगर इसके इसके लिए हम बात करें 460 प्रोसेसर की, तो 460 जो प्रोसेसर है वो लगभग आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसका अंतर लगभग 1,45,000 के आसपास रह जाता है। अगर 460 को अगर 662 से कंपेयर करें तो साफ विजेता 662 निकल के आता है, क्योंकि 662 में भी आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देख, लगभग इसकी जो परफॉर्मेंस है वो लगभग आपको 665 जितनी ही, थोड़ी सी उससे बेहतरी आपको देखने को मिलती है। लेकिन इसमें जो आपको है उसमें 660 जो प्रोसेसर है उसका अंतुतु लगभग 1,80,000 के बीच में, और 665 के अंतुतु की बात करें तो वो भी लगभग उतना ही थोड़ा सा कम ही होगा, लगभग 1,60,000 के आसपास होगा। लेकिन अंतुतु पे सब कुछ नहीं बेस्ड होता, अगर आप डे टू डे यूज़ करते हो तो आपको अच्छा प्रोसेसर तीनों भी प्रोसेसर आपको अच्छे ही लगेंगे। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तब जाके आपको तीनों प्रोसेसर की रियलिटी पता चलती। तो दोस्तों अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपके लिए ये प्रोसेसर अच्छे रहेंगे या नहीं, तो दोस्तों अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो 15,000 के बजट में गेमिंग फ़ोन चाहते हो, अच्छा फ़ोन चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा रियलमी का 7 लीजिए, वो भी आपको बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो पोको का M2 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो, ऐसे कुछ आपके लिए फ़ोन है वो भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इन प्रोसेसर अगर आप 15,000 के रेंज में ये प्रोसेसर लेना चाहते हो तो इसमें अगर आप 13,000 के रेंज में फ़ोन ले रहे हो तो ओप्पो A53 HD प्लस डिस्प्ले, लेकिन आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट, अच्छी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, डिज़ाइन वगैरह उसका अच्छा है, तो वो भी आप ले सकते हो। अगर 662 प्रोसेसर की बात करें तो मोटोरोला का G9 है, वो भी इसी प्रोसेसर पर लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ ओप्पो का जो F17 है वो भी इसी फ़ोन पे लॉन्च होता है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर 665 की बात करें तो रियलमी का 5 है, बहुत सारे फ़ोन है जो कि आपको 665 के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताया इसी वीडियो में, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब बेल का दबा दीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।